In last class, we have completed objective questions related to basic concepts of DC motor or DC machine. In this class, we will start with starter of DC motor. इसमें दो तीन पॉइंट कॉमन है. पहला पॉइंट है कि इन मोस्ट ऑफ द कॉमन एप्लीकेशंस डीसी शंट मोटर इज यूज्ड. मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस पे डीसी शंट मोटर यूज होता है. अब डीसी शंट मोटर में प्रॉब्लम क्या है, इसे फील्ड वाइंडिंग का तो रेजिस्टेंस हाई है. दिस इज आरएसएच. आपके पास आर्मेचर है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस और उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ मान लीजिए. और हम सप्लाई वोल्टेज वी देते हैं, इतना वोल्टेज सप्लाई दे दिया. ठीक. नाउ इन स्टार्टिंग कंडीशन में आर्मेचर करंट आई ए को हम लिख सकते हैं क्या, वी माइनस ईबी बाई आर ए. आईएसएच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फील्ड वाइंडिंग को हाई रेजिस्टेंस है तो ये तो आईएसएच तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा. लेकिन आर्मेचर करंट कितना है, V माइनस सी बी बाई आर ए लिख सकते हैं. स्टार्टिंग कंडीशन जब हम बोले तो मशीन रुकी हुई है, स्विच ऑन किया, जस्ट मशीन रुका हुआ. अगर मशीन अगर रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो व्हाट विल बी बैक ईएमएफ? जीरो. एनपीएफएस जीरो. मशीन मूव नहीं कर रहा तो फील्ड कट हो नहीं रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो. एंड व्हाट इज आर ए? आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना होता है? वेरी स्मॉल. तो ये जीरो हो गया, ये बहुत स्मॉल हो गया. अगर ये बहुत स्मॉल है तो आर्मेचर करंट ज्यादा होगी. ठीक. तो स्टार्टिंग कंडीशन में ये प्रॉब्लम होती है कि आर्मेचर करंट इज वेरी हाई. ठीक. एक बार जब मशीन रनिंग कंडीशन में आया था तो आर्मेचर करंट ई भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, तो आर्मेचर करंट अपने आप रिड्यूस होगी. उसके बाद जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे, करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी. स्पीड कम होगा फिर करंट बढ़ेगी, फिर स्पीड कम होगा फिर करंट बढ़ेगी. तो मैकेनिकल लोड जैसे बढ़ाते जाते हैं, आर्मेचर करंट फिर से बढ़ती जाती है. जो फुल लोड पे हमारी जो करंट मिलती है ना, उससे भी ये स्टार्टिंग करंट बहुत हाई है. ठीक. आर्मेचर करंट इज वेरी हाई ऑल्सो सेवरल टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट. ठीक. अब सपोज करिए फुल लोड करंट 5 एम्पियर है, स्टार्टिंग करंट 20 एम्पियर है. ठीक. तो आप जब वायर से वाइंडिंग करेंगे, या तो 5 एम्पियर वाले वायर से वाइंडिंग करेंगे या 20 एम्पियर वाले वायर से वाइंडिंग करेंगे, कौन सा यूज करेंगे आप? 20 एम्पियर वाले वाइंडिंग से अगर आप वायरिंग करते हैं उस वायर से, तो वायर भी कॉस्टली होगा, साइज ऑफ कंडक्टर बढ़ जाएगा, सब कुछ साइज कॉस्ट मशीन का सब कुछ बढ़ जाएगा और सेवरल टाइम्स बढ़ जाएगा. ठीक. अब जरा देखिए मशीन का स्टार्टिंग कंडीशन कितनी देर के लिए रहता है? कम समय के लिए, कुछ सेकंड्स, सेकंड्स में, सेकंड्स में तो एक दो सेकंड्स. रनिंग कंडीशन सेवरल आवर्स. राइट. तो आपको क्या ये सही लग रहा है कि दो सेकंड के लिए ये करंट आई है, दो तीन चार पांच सेकंड के लिए? ठीक. इस दो सेकंड के लिए आप वायर की रेटिंग 20 एम्पीयर कर देंगे? सही नहीं लग रहा सर. सही नहीं लग रहा है ना. ज्यादा बेटर होता है
स्टार्टिंग कंडीशन में जो हाई करंट मिल रही है इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए कुछ देर के लिए। एक बार मशीन रनिंग कंडीशन में आ गया तो बैक ईएमएफ अपने आप आर्मेचर करंट को कंट्रोल कर लेता है, ठीक। रनिंग कंडीशन में आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इसीलिए ये जो स्टार्टर्स हैं, हालांकि डीसी मशीन सेल्फ स्टार्टिंग मशीन है, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे मशीन चलेगा, फिर भी स्टार्टर्स की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन में इस हाई करंट को कंट्रोल करना होता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो स्टार्टर्स हैं ये स्टार्टिंग डिवाइस ना होकर के मोर ओवर ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस ज्यादा है, मशीन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हाई स्टार्टिंग करंट से। बोल सकते हैं ना? तो ये जो हाई आर्मेचर करंट है सेवरल टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट से डिसएडवांटेज क्या मिलता है? इट हैज फॉलोइंग डिसएडवांटेज। ठीक, क्या क्या डिसएडवांटेज मिलता है? पहला कि दिस हाई करंट मे बर्न द वाइंडिंग। यह हाई करंट वाइंडिंग को बर्न कर सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या मिलता है? ऑल्सो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आईए होता है क्या? यस, हाई करंट आर्मेचर करंट मतलब ज्यादा, मतलब टॉर्क ज्यादा, ठीक। इस हाई करंट प्रोड्यूसेस एबनॉर्मल या एबनॉर्मली हाई टॉर्क। तो जैसे करंट की कैपेसिटी होती है वैसे टॉर्क की कैपेसिटी होती है। आपके पास शाफ्ट है, बेयरिंग है, आप पूरे सिस्टम को रोटेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टॉर्क लगाने से टूट सकता है कि नहीं है? यस सर। अगर एबनॉर्मली हाई टॉर्क है विच कैन मैकेनिकली डैमेज द मशीन, रोटेटिंग पार्ट को मैकेनिकल डैमेज दे सकता है, ये शाफ्ट वगैरह टूट सकती है, बेयरिंग खराब हो सकती है, ठीक। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देयरफॉर स्टार्टर्स इन डीसी मशीन, आपको ऐसी मशीनें भी मिलेंगी जहां जो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती वहां पे स्टार्टर लगाने पड़ते हैं आपको, लेकिन यहां पे स्टार्टर जो लगा है ना एक्चुअल मशीन को स्टार्ट करने के लिए नहीं है, मशीन को प्रोटेक्ट करने के लिए है हाई करंट से और हाई टॉर्क से जो स्टार्टिंग कंडीशन में एबनॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्टार्टर्स इन डीसी मोटर्स आर कनेक्टेड टू प्रोटेक्ट दिस मोटर या दिस मशीन, टू प्रोटेक्ट द मशीन इन स्टार्टिंग कंडीशन। तो स्टार्टिंग कंडीशन में जो प्रॉब्लम आ रही है उससे बचाने के लिए स्टार्टर्स लगे हैं। या एक स्टेटमेंट आप और लिख सकते हैं कि दे आर मोर ओवर अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस कि मशीन सेल्फ स्टार्टिंग है, इसलिए इसको आप प्रोटेक्टिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और ये प्रोवाइड कर रहा है केवल स्टार्टिंग कंडीशन में। रनिंग कंडीशन में आने के बाद ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन आपके पास है बैक ईएमएफ से, ठीक। अब मशीन में जो कॉमन स्टार्टर्स यूज होते हैं वो दो तरह के स्टार्टर यूज होते हैं, ठीक। टू कॉमन स्टार्टर्स आर यूज्ड इन डीसी मोटर। पहला
थ्री पॉइंट स्टार्टर दूसरा फोर पॉइंट स्टार्टर। ठीक, किसी किसी बुक में टू पॉइंट स्टार्टर भी लिखा हुआ है। एक्चुअली टू पॉइंट स्टार्टर का कोई मीनिंग ही नहीं होता है, लोड और फील्ड दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, नॉर्मल सर्किट ही है। टू पॉइंट स्टार्टर का मतलब नहीं, दो स्विच होते हैं बस उसमें, फील्ड ऑन करने के लिए, आर्मेचर ऑन करने के लिए। तो लॉजिकली देखें तो टू पॉइंट स्टार्टर इज नथिंग बट अ स्विच। तो स्विच मशीन में आप ऑलरेडी ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। स्टार्टर्स में जो कंट्रोल प्रोवाइड करने वाले स्टार्टर हैं वो दो ही हैं, वो थ्री पॉइंट स्टार्टर है और फोर पॉइंट स्टार्टर है। कुछ लोकल बुक में टू पॉइंट लिखा है लेकिन उसको आप काउंट मत करिएगा। और एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, ये डीसी मशीन के स्टार्टर हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इज फॉर थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक, वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टर है। डीसी मशीन में दो स्टार्टर हैं, डीसी मोटर में थ्री पॉइंट और फोर पॉइंट। और ये ज्यादा एप्लीकेशन होते हैं इसका डीसी शंट मोटर पे। अगर आप सीरीज मोटर है तो आपको स्टार्टर की जरूरत नहीं है, वहां पे आप टू पॉइंट पे भी काम कर सकते हैं। अभी थ्री पॉइंट फोर पॉइंट देखेंगे, आपको टू पॉइंट अपने आप समझ में आएगा कि वो स्टार्टर है ही नहीं एक्चुअल में, तो कोई कंट्रोल प्रोवाइड नहीं कर रहा है। शुरू करें तो आपका नेक्स्ट हेडिंग है थ्री पॉइंट स्टार्टर। सर इससे पहले वाला पेज का थोड़ा सा दिखाएगा प्लीज। ठीक है, नोट करके बताइएगा ना मुझे। ऊपर देखना है क्या? हो गया सर, डन। नेक्स्ट इज थ्री पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, साथ में आप भी डायग्राम बनाते जाइए। एक सेकंड प्लीज होल्ड करिएगा। आप लोग डायग्राम बना करके प्लीज कंफर्म करें, मैं वर्किंग एक्सप्लेन करता हूँ इसकी। लेबलिंग करते हैं, ये है आपका ओवर करंट रिले, ये सर्कल सर्कल लिखा है, ये है आपका स्प्रिंग, कंट्रोल स्प्रिंग। ये जो कॉयल है इसको बोलते हैं होल्डिंग कॉयल और नो वोल्ट कॉयल। आर्मेचर हो गया, दिस इज योर फील्ड वाइंडिंग, एक डी एक्साइटिंग स्विच है। ड्रॉ हो गया, प्लीज माइक ऑन करके यस एंड नो बोलें, क्योंकि दूसरा डायग्राम फिर इसी में बनाना होगा मुझे। हो गया सर। हो गया, थोड़ा सा रुकिए सर, थोड़ा सा। वो थोड़ा सा नीचे कीजिए ना सर, वो ऊपर में कुछ लिखा है लगता है, समझ में नहीं आ रहा। वो सर क्या है सर, नो नंबर, नो वोल्टेज है क्या सर? नो वोल्ट कॉइल। सर हो गया सर। ठीक, देखिए पहला पॉइंट, इनिशियली
द स्टार्टर आर्म, ये है आपका आर्म। इनिशियली द स्टार्टर आर्म इज एट स्टड वन। ठीक, अब जब ये आर्म स्टड वन पे है, ठीक यहाँ पे, ठीक इसको मैं एक डायग्राम में दिखा रहा हूं, आर्म जो है स्टड वन पे पहुंच गया, कनेक्ट हो गया। ठीक, यहां से प्लस माइनस डीसी सप्लाई आप दे रहे हैं। ये डायग्राम थोड़ा बिगड़ेगा आप, इसलिए मैंने पहले आपको बनवाने को कहा था। करंट का डायरेक्शन देखिए, इधर से रिले से होता हुआ आर्म में गया, आर्मेचर पे जाएगा, तो उसका जो पाथ है ये सारे रेजिस्टेंस आर्मेचर के साथ सीरीज में है। अगर आर्मेचर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस आ गया तो आर्मेचर करंट कंट्रोल हो गई। यस सर। ठीक, फील्ड वाइंडिंग के साथ जैसे इधर से सप्लाई गया फील्ड वाइंडिंग के पास, एक कॉइल से होता हुआ फील्ड में, फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं, फील्ड वाइंडिंग से प्रॉब्लम भी नहीं थी, आपको प्रॉब्लम थी हाई आर्मेचर करंट से। ठीक, तो जब आपका स्टार्टिंग कंडीशन में आर्म स्टड वन पे है तो ये सारे रेजिस्टेंस आर्मेचर के साथ सीरीज में आ जाते हैं, हाई रेजिस्टेंस आर्मेचर के पाथ में करंट जो है लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, तो इनिशियली स्टार्टर आर्म इज एट स्टड वन एंड ऑल द रेजिस्टेंस इज इन सीरीज विथ आर्मेचर। हेंस आर्मेचर करंट इज लिमिटेड, आर्मेचर करंट अपने आप लिमिट हो जाएगी। ठीक, अब जैसे जैसे रनिंग कंडीशन आती है इन रनिंग कंडीशन, ठीक, फील्ड के सीरीज में कोई करंट नहीं था, फील्ड के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं था, तो फील्ड करंट हाई थी। यस सर, रिस्पांस। ठीक, ये करंट जाती है इस होल्डिंग कॉइल में, ये कॉइल एक मैग्नेटिक कॉइल है जो इस आर्म को अट्रैक्ट करता है, इसकी करंट ज्यादा है तो इस आर्म को अट्रैक्ट करेगा, और मैनुअल भी होता है, मैं कॉइल लगाया तो ऑटोमेटिक ही मानिए इसको, आर्म अपने आप 1 से लेके 7 पे मूव करेगा कि ये कॉइल इस आर्म को अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए इसको होल्डिंग कॉइल कहते हैं। रनिंग कंडीशन में आते ही ये कॉइल आर्म को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, स्विच ऑन होते ही धीरे धीरे आर्म अपने आप मूव करते करते स्टड 7 तक पहुंचता है। ठीक, और जब तक रनिंग कंडीशन रहेगी तब तक ये कॉइल आर्म को रोक करके रखेगा 7 पे, और अगर 7 पे आप कनेक्शन करते हैं, देखिए करंट का पाथ येलो कलर से बनाता हूं ना, ठीक, करंट का पाथ ओवर करंट रिले से होता हुआ आर्म में, आर्म से होता हुआ आर्मेचर में, आर्मेचर के सीरीज में अब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक, और सारा का सारा रेजिस्टेंस आ गया फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में। यस सर। ठीक, नाउ इन रनिंग कंडीशन स्टार्टर आर्म is attracted by holding coil and it moves towards
स्टड 7. अब देखिए मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें 1 से लेकर 7 तक दिखाया है. अगर आपके पास और नंबर ऑफ स्टड आपने बनाया है तो अकॉर्डिंगली नंबर चेंज कर लीजिएगा. ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 4 या 5 या 6 लगाने हैं, आप कितना भी लगा सकते हैं. मेरे डायग्राम में 7 नंबर तक है इसलिए मैंने यहाँ पे 7 लिखा है. अगर आपके डायग्राम में कुछ और नंबर है तो वो लिखिए. मैक्सिमम वाला होगा वहां पे मूव करेगा. तो आर्म होल्डिंग कॉइल के थ्रू अट्रैक्ट होगी और मूव करेगी स्टड 7 तक. एट स्टड 7 ऑल द रेजिस्टेंस आर connected in series with field winding and removed from series of armature. पहले वो armature का series में थे, अभी वो आर्मेचर के सीरीज में से हट करके फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में आ गए. ठीक, फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना, क्या ये फील्ड कंट्रोल मेथड था? यस सर. ठीक है, फील्ड कंट्रोल मेथड था ना ये, स्पीड कंट्रोल के लिए. आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना वो आर्मेचर कंट्रोल मेथड था. अगर आपके पास फील्ड कंट्रोल आर्मेचर कंट्रोल दोनों है तो ये क्या मशीन पे फुल कंट्रोल मिल रहा है आपको स्पीड कंट्रोल के लिए? इसीलिए यह पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट कि हेंस बोथ फील्ड कंट्रोल एंड आर्मेचर कंट्रोल आर प्रोवाइडेड through this starter. तो ये starter actual में starting condition में protection device का काम करता है, running condition में आके control device का भी काम कर सकता है. तो अगर आपको चाहिए तो आप टैपिंग प्रोवाइड करके फील्ड आर्मेचर कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक, आगे चले. अब इसमें कुछ कुछ चीजें और लगी हुई हैं, जैसे कि ये स्विच. अगर आप इसको पुश कर देंगे तो ये दोनों पॉइंट शॉर्ट हो जाएगा. यस सर. तो करंट जो है होल्डिंग कॉइल से पास ना करके सीधे इधर से पास करेगी शॉर्ट सर्किट से, फील्ड वाइंडिंग से होते हुए. होल्डिंग कॉइल की करंट जीरो होने का मतलब नो मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा. होल्डिंग कॉइल की करंट जीरो मतलब ये अट्रैक्शन खत्म. और यहाँ लगा हुआ है स्प्रिंग, ये आर्म अपने आप वापस चला जाएगा वन पे. आपको मशीन ऑफ करना है तो पहले इधर से स्विच ऑफ करते हैं, आर्म अपने आप वापस चला जाता है, आर्मेचर करंट घट जाती है. आर्मेचर करंट घट जाती है तो फिर स्विच को भी ऑफ कर देते हैं. लो करंट पे आपको जो है स्पार्किंग वगैरह कम होता है. सर एक बार वो सर होल्डिंग करंट से करंट कैसे नहीं जा रहा है, थोड़ा ट्रेस करके बता दो सर. शॉर्ट सर्किट है ना, इधर से करंट आ रहा था. कॉइल है, इम्पीडेंस होगा. यस सर. अब जब इस पाथ में देखिए कोई इम्पीडेंस नहीं है, सीधा सीधा शॉर्ट सर्किट है सब. एक होल्डिंग कॉइल की करंट जीरो. ठीक, there is a switch provided provided in holding coil which is when switched on. जब वो स्विच ऑन होगा, विच इज स्टार्टिंग में सही कर लूंगा,
इट्स करंट बिकम जीरो एंड आर्म इज अगेन शिफ्टेड टू स्टड वन. आर्म फिर से स्टड वन पे शिफ्ट हो जाएगा. क्लियर? यस सर. ठीक, तो ये करते कब है? टू इनिशियल स्विच ऑफ द मोटर. मोटर को स्विच ऑफ करने के लिए. ठीक, अब ये स्टार्टर आपको देख रहे हैं, दिखने में लग रहा है सब कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है. हाई स्पीड मोटर्स में जी सर वो टू स्विच ऑफ द मोटर मतलब सर वो इनिशियल फेस में नहीं करता क्या सर? इसको इनिशियल फेस में सर वो जो वहां पे होना है इनिशियल इनिशियल फेस में होल्डिंग कॉइल की करंट जीरो कर देंगे तो आर मूव करेगा ही नहीं फिर ना. अच्छा अच्छा अच्छा. जो मशीन को स्विच ऑफ करना होता है तब उस स्विच को पुश करते हैं. आर्म वन पे चला जाता है फिर मेन स्विच ऑफ कर देते. तो सर वो फिर वो अपना फिर वो स्पीड चलते रहेगा क्या सर? मतलब तो वो मशीन ऑफ करना है. स्विच ऑफ द मोटर. स्विच ऑफ द मोटर मींस सप्लाई कट ऑफ. मशीन को रुकना है अब तो उसको इसमें तब अप्लाई करेगा ना सर? हाँ, जब मशीन बंद करना होता है तब. ठीक है, थैंक्स सो मच. ठीक है, स्विच ऑफ OFF. ठीक, अब इसमें एक बेसिक प्रॉब्लम ये है. देखिए, रनिंग कंडीशन में देखें तो ये सारे रेजिस्टेंस फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में है. यस सर. ठीक, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत हाई होता है. ठीक, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत हाई है, उसके साथ सीरीज में आपने और रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं तो क्या ये फील्ड करंट बहुत स्मॉल होगी? यस सर. अगर फील्ड करंट स्मॉल है तो ये अट्रैक्शन या जो फोर्स होल्डिंग कॉइल पे है इस आर्म को यहाँ पे रोक करके रखने वाला फोर्स क्या ये भी स्मॉल होगा? ठीक, हाई स्पीड मोटर्स में ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है. अगर ये होल्डिंग कॉइल की करंट कम है ना तो इस आर्म को स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट रोक के रखना मुश्किल होता है. ठीक, तो रनिंग कंडीशन में ही कभी कभी ये जो आर्म वापस चला जाता है क्योंकि होल्डिंग कॉइल रोक नहीं पा रही उसको. जी सर. ठीक, इसको हम कहते हैं फॉल्स स्विचिंग. मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना प्रॉब्लम के ही वो अपने आप को स्विच ऑफ कर ले रहा है. ठीक, नॉर्मल मोटर्स में ये प्रॉब्लम नहीं आती. अगर आप हाई स्पीड मोटर्स यूज करेंगे तो इस तरह की फॉल्स स्विचिंग देखने को मिलता है 3 पॉइंट स्टार्टर में, इसीलिए इसको मॉडिफाई करके फिर हम 4 पॉइंट स्टार्टर बनाते. सर जी समझ लीजिए, ओवर करंट रिले जो है बस इसमें ओवर करंट जाने में दे तो उसका फंक्शन उतना ही है. बस वही है ओवर करंट रिले. अब नॉर्मली हाई करंट कभी सप्लाई हो तो ये सब ऑन ऑन होने से पहले उसको कट ऑफ कर देगा. ओके ठीक, आगे चले. तो इस स्टार्टर में प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि हियर current of holding coil is very small. ठीक, current जो holding coil की current है वो बहुत small है. क्यों small है? Due to high RSH. Shunt field winding की property कि उसका resistance high होता है. ठीक, therefore अट्रैक्शन फॉर आर्म इज स्मॉल.
जो होल्डिंग कॉइल का जो स्टेटर आर्म है उसका जो अट्रैक्शन है वो स्मॉल होता है, देयरफॉर अगेन फॉल्स फॉल्स स्विचिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन. जैसे आर्म को वापस भेजना पड़ता है ना, तो आपको स्विच दबाना पड़ता है, स्विच दबाने से होल्डिंग कॉइल करंट जीरो होती है, आर्म अपने आप वापस चला जाता है, तो बिना स्विच दबाए ही आर्म वापस आ जाता है. फॉल्स स्विचिंग तो मिलता है रनिंग कंडीशन. ठीक. और ये मोस्ट कॉमनली इन हाई स्पीड मोटर्स. ठीक. इसीलिए देयरफॉर सर ये हाई स्पीड मोटर में क्यों कॉमन है सर? मतलब मशीनें, जैसे आपके पास 3 किलोवाट की मशीन है. यस सर. दो मशीनें 3-3 किलोवाट की. ठीक. एक है 1000 RPM की, एक 2000 RPM की. मशीन का पावर सेम है? यस सर. मशीन का पावर होता कितना है? टॉर्क इनटू ओमेगा. अगर स्पीड ज्यादा है टॉर्क स्मॉल होना पड़ेगा. ठीक. टॉर्क स्मॉल का मतलब मशीन का साइज स्मॉल. फॉर सेम रेटिंग, अगर सेम रेटिंग की बात करें, जैसे 2 किलोवाट का मोटर. ठीक. जो हाई स्पीड मोटर होगा वो छोटा होगा. अच्छा अच्छा. ठीक. जो लो स्पीड मोटर होगा वो बड़ा होगा. जी. ठीक. और अगर हाई स्पीड मोटर है और वो छोटा है, ठीक, तो उसके सारे पार्ट्स बहुत स्मॉल होंगे, करंट जो फ्लो करेगी वो भी स्मॉल होगी. हाई स्पीड मोटर्स लो करंट पे काम करते, छोटे होते हैं फॉर सेम रेटिंग. जी जी. ठीक है. समझ. मशीन का स्पीड करंट के प्रोपोर्शनल होता है और जो टॉर्क है वो साइज के प्रोपोर्शनल होता है. भारी चीज को घुमाने के लिए ज्यादा टॉर्क. हाँ जी. तो ड्रिलर जो इसी पे बेस करते हैं ना? जी. ड्रिलर, ड्रिल मशीन. जी सर. जो हम लोग घर पे यूज करते हैं ड्रिल करने के लिए. यूनिवर्सल मोटर होता है जनरली. ठीक. डीसी मोटर भी यूज कर सकते हैं. वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता डीसी मोटर यूनिवर्सल मोटर में, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो ड्रिल मशीन का मतलब यूनिवर्सल मोटर. ओके सर. ठीक. प्रैक्टिकली बहुत कुछ होता है. नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फोर पॉइंट स्टार्टर्स आर यूज्ड. नेक्स्ट पेज पे आपके लिए है 4 पॉइंट स्टार्टर. प्रॉब्लम यह है कि पूरा डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा मुझे, तो 2 मिनट मुझे दीजिए डायग्राम बनाने के लिए. नेक्स्ट वी हैव 4 पॉइंट स्टार्टर. फिर से वही डायग्राम. सब कुछ कॉमन है, बस एक छोटा सा चेंज होगा इसमें. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. अभी हमारे पास 8 हो गए. आर्म है ये. स्प्रिंग आर्म से कनेक्टेड है. अगेन एक ओवर करंट रिले प्रोवाइड करते हैं.
प्लस माइनस, यहाँ पे एक होल्डिंग कॉइल, इधर से कनेक्शन आर्मेचर को, कनेक्ट हो गया आर्मेचर, इधर से कनेक्शन, होल्डिंग कॉइल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं इधर, RSH। अब चाहें तो इधर फिर से एक स्विच लगा सकते हैं, देखिए पूरा वर्किंग सेम है। अब यहाँ पे चार पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है लोड जिसका कनेक्शन करना पड़ता है, दूसरा है फील्ड, दिस इज आर्मेचर एंड दिस इज आर एल एफ आर ए, चार पॉइंट पे कनेक्शन बनाने रहते हैं, फोर पॉइंट स्टार्टर। वर्किंग पे आए, वर्किंग सब कुछ पूरा एग्जैक्टली सेम है, सब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये जो प्रॉब्लम थी ना कि फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत हाई था, जब इसको होल्डिंग कॉइल के सीरीज में लगाते थे करंट बहुत स्मॉल फ्लो करती थी, कौन सी होल्डिंग कॉइल की करंट, ठीक। इस रेजिस्टेंस को हटा दिया है, अब होल्डिंग कॉइल के सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू इतनी हाई नहीं होती है, तो हमने होल्डिंग कॉइल की करंट को बढ़ा दिया है, वो फील्ड वाइंडिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा है, करंट हाई है तो आर्म को होल्ड कर सकेगा। तो थ्योरी भी इसका लिख ही लेते हैं, क्या है एन फोर पॉइंट स्टार्टर, द होल्डिंग कॉइल is not connected in series with field winding, holding coil field winding ke series mein connected nahi hai, hence its current increases and false switching is prevented, बच जाता है false switching। बाकी थ्योरी सेम है ना, देखिए जब फोर पॉइंट स्टार्टर इंडिपेंडेंटली पूछा जाएगा तो वो जो थ्योरी है इनिशियली स्टार्टर आर्म इज एट स्टड वन, फिर उसके बाद स्टार्ट होता है मूव करना, होल्डिंग कॉइल से अट्रैक्ट होकर के मूव करता है, रनिंग कंडीशन में लास्ट स्टड पे रहता है, वो थ्योरी आपको वही लिखनी होगी। नोट करके प्लीज बताइए लास्ट में होगा तब करंट का फ्लो कैसे होगा, किस किसके करंट फ्लो बताएं, फील्ड का क्या आर्मेचर का, सर रनिंग कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में यहां से करंट क्या जी आर्म होगा कहां पे, स्टेट वन पे एट पे, यस सर, सीधा 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 गया आर्मेचर में, आर्मेचर के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है जी, ठीक। फील्ड वाइंडिंग पे करंट जाना है तो इधर से जाएगा, फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में सारे रेजिस्टेंस आ गए,
सर तो इसमें होल्डिंग करंट जो होगा सर ये कम नहीं होगा? नहीं, होल्डिंग करंट तो इधर से जाएगा ना, फील्ड वाइंडिंग का सीरीज में थोड़ी है वो, दोनों पैरेलल कनेक्शन इंडिपेंडेंट। ओके ओके, देन करंट तो डिवाइड होते जाएगा ना? करंट डिवाइड होगा, पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होता है, लेकिन क्या करंट इसमें कम हो जाता है क्या? कंफ्यूजन हो रहा है आपको? दस वोल्ट की बैटरी है, यस सर, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हमने, 10 वोल्ट की बैटरी है, फाइव ओम का रेजिस्टेंस, करंट बताइए तो। ओके, देन ऊपर वाले पे 1 एम्पियर होगा? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, फिर नीचे वाला में टू एम्पियर, यस सर, है ना? तो अगर आप इन दोनों को सीरीज में लगाएंगे, दो वाइंडिंग्स को सीरीज में लगाएंगे तो दोनों की करंट घटेगी, ठीक? उन्हीं दोनों वाइंडिंग्स को मैंने पैरेलल में कर दिया तो हाँ, दोनों की करंट बढ़ी है, टोटल करंट 4 एम्पीयर ड्रा हो रहा है। तो इसमें तो कनेक्शन पैरेलल इसलिए होगा ना? पहले दोनों वाइंडिंग्स, काम बेसिक से समझिए, पहले दोनों वाइंडिंग सीरीज में थी, होल्डिंग कॉइल और फील्ड वाइंडिंग, जी सर, ठीक। अभी दोनों कॉइल पैरेलल में है, जी सर, होल्डिंग कॉइल और फील्ड वाइंडिंग, ठीक। जब भी सीरीज को पैरेलल में कन्वर्ट करेंगे ना तो दोनों पाथ का करंट बढ़ता है, करंट ऑलवेज इंक्रीज होता है, हमेशा इंक्रीज होता है, हर एलिमेंट का करंट इंक्रीज होता है। आपको यहाँ दिख रहा है कि करंट डिवाइड हो जा रहा है, जस्ट इसमें सीरीज को पैरेलल में बनाया, सीरीज को पैरेलल में कन्वर्ट किया ना, करंट बढ़ाना था तभी तो सीरीज को पैरेलल में किया है, स्मॉल करंट सही तो प्रॉब्लम था, समझ में जी। ये इनबिल्ट होता है क्या पूरा में ये फील करंट, ये मोटर के साथ स्टार्टर अलग आता है, तो उसका स्टार्टर में ये मोटर का फील अलग, स्टार्टर का फील अलग ना सर? ये डायग्राम में फील्ड वाइंडिंग और मोटर जो दिखा है, ये दोनों एक मोटर का पार्ट है, उसी में से पॉइंट को कनेक्शन करना है, LFA जो लिखा है, ये है मोटर, इसके अलावा जो कुछ सब स्टार्टर। अच्छा अच्छा ठीक, अब आपको दिखा दो प्रैक्टिकल में दिखता कैसा है। एक ब्लॉक होता है ऐसा, उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, L, F, A, लोड, फील्ड, आर्मेचर, ठीक। अब जो मशीन होगा, मशीन के पास आर्मेचर होगा, आर्मेचर को सप्लाई देते हैं ना ब्रश से, ये लेते हैं, ठीक। और एक फील्ड वाइंडिंग होगी उसके पास, यस, ठीक। आपको सप्लाई देना होता है डीसी, प्लस माइनस, एक एंड कनेक्ट होगा सीधा लोड से, ठीक। आर्मेचर कनेक्ट होगा इससे, फील्ड कनेक्ट होगा इससे, और बाकी कॉमन पॉइंट यहां पे, ये है 3 पॉइंट स्टार्टर, डिब्बे में बंद रहता है, और ये सारा अरेंजमेंट इस बॉक्स के अंदर रहता है, ये पूरा अरेंजमेंट जो आपने ड्रॉ किया होगा। यही अगर आपके पास 4 पॉइंट स्टार्टर होगा ना, तो यहाँ पे एक और आर भी आ जाएगा, कहीं कहीं आर लिखा होता है, कहीं कहीं एच लिखा होता है, वो आज सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही ले गया सर। हाँ, वहां से आपको
कनेक्शन करना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अंदर में बिल्ट रहता है। जी सर, बार पे कनेक्शन करेंगे तो होल्डिंग कॉइल को करंट अपने आप मिल जाएगी। क्लियर है? यस। बहुत जल्दी टाइम बीत गया टेस्टिंग में, टेस्टिंग आज नहीं कर पाए, टेस्टिंग को कल कर लें क्या? कल सारी क्लासेस ऑफ है मेरी, कल कोई क्लास नहीं है, तो ऑनलाइन में एक बड़ी क्लास कर लें क्या? मॉर्निंग कल सैटरडे ना सर? हाँ कर लीजिए सर।